डिप्रेशन सिम्टम्स कॉज एंड ट्रीटमेंट, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। जो जो स्टडीज अभी तक हुई है उसमें से यह मालूम पड़ता है कि सभी मानसिक बीमारियों में डिप्रेशन सबसे ज्यादा दिखाई देता है, नंबर वन बीमारी है। और सभी बीमारियों में डिप्रेशन का नंबर चौथा या पांचवा लगता है। जनरल पॉपुलेशन में 10-15% लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, ऐसी कुछ स्टडीज बोलती है। अभी कुछ नए मापदंड लगाए हैं, उसमें से उन्होंने तो कुछ स्टडीज में ऐसा बोला है कि 25% पीपल, 25% लोग डिप्रेशन से सफर होंगे, ऐसा उनका अंदाज है। इतना डिप्रेशन ज्यादा है। देखो, नॉर्मली हमको हमारे कुछ मन के खिलाफ हो गया तो हमको अच्छा लगता नहीं, मन दुखी उदास लगता है, तो ठीक है। मगर कुछ कारण भी नहीं है तभी डिप्रेस लगना, वो डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। या कारण है और डिप्रेस हुआ मगर डिप्रेशन 15 दिन तक चल रहा है, कारण हटने के बाद में भी डिप्रेशन तो चल ही रहा है, तभी वो डिप्रेशन है। मतलब कुछ कारण नहीं है तभी आया, कारण है मगर 15 दिन तक वो टिका है तभी वो डिप्रेशन है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, उत्पादन क्षमता कम है, काम नहीं कर सकता आदमी, बैठ जाता है घर में, रिश्ते खराब हो जाते हैं आपसी, और फिर 6 से 9 महीने तक ये चलता है डिप्रेशन, तो उसमें भी प्रॉब्लम सभी को आते रहते हैं। इसमें लक्षण कौन से हैं, कॉमन लक्षण है यदि आप देखते होंगे खुद में या आपस में जो लोग हैं आपसी उन्होंने, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोगों को ये सिम्टम्स है मगर 15 दिन से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना जरूरी है। नंबर वन, एक तो उदास लगना, उनको नर्वस लगता है, उदास लगता है, उनको खुशी नहीं है, सैडनेस है, डिप्रेशन, डिप्रेस्ड है बोलते हैं, मूड डिप्रेस्ड है, लो मूड है, ऐसा लोग बोलते हैं, और वो छोटी छोटी बात के ऊपर भी उनको उदासीनता आती है। नंबर दो, उनका इंटरेस्ट चले जाता है, कोई भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहता, कोई काम में इंटरेस्ट नहीं है, काम जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं, फैमिली में इंटरेस्ट नहीं, बच्चों में इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं करना ऐसा उनको लगता है। तीसरा, उनको गिल्ट फीलिंग लगता है, अपराध बोध कि मैंने कुछ गलती किया होगा इसलिए मेरे को भगवान ने शिक्षा की, मैंने ये नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता, अतीत के बारे में बहुत सारे बुरे बुरे ख्याल आते हैं और बहुत ही उनको अपराध बोध होता है, गिल्टी फीलिंग लगता है। नंबर चार, उनको शारीरिक कमजोरी है, वीकनेस, थकान, ऐसा लगता है कि उनका पूरा जूस निकल गया, गारंटी वारंटी सब खत्म, थकान आ जाती है, कुछ काम नहीं कर सकते, ऐसा लगता है कि बहुत काम करके थक गए ऐसा उनको लगता है। पांचवा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कोई भी काम में ख्याल नहीं रहता, फोकस नहीं कर सकते, स्टूडेंट यदि है तो वो फोकस नहीं कर सकता, काम करने वाला है उसमें फोकस नहीं रहता है, हाउसवाइफ है तो उसका ख्याल नहीं रहेगा खाना पकाने में, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, भुलक्कड़पना आ जाता है। छठवा, उनको भूख कम लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती और फिर वजन कम हो जाता है। कुछ लोगों को उल्टा है, कुछ लोगों को डिप्रेशन में ज़्यादा खाने की इच्छा होती है और मोटा होते हैं, तो दोनों भी हो सकता है मगर ज़्यादातर खाने की इच्छा नहीं होती। छठवा। सातवा, उनको नींद बराबर नहीं आती, यूजली ये लोगों को सुबह सुबह नींद खुल जाती है जल्दी, या फिर रात को नींद आने में बहुत तकलीफ हो जाती है, एक बार नींद आ गई तो आ जाती है मगर सवेरे जल्दी खुल जाएंगे, तो सातवा है नींद का प्रॉब्लम। आठवा है बुरे बुरे ख्याल अपने बारे में आते हैं, खुद को इंजरी कर लेना, नस काट लेना या खुदकुशी कर लेना, ऐसे विचार आते, कोई लोग अटेम्प्ट भी करते खुदकुशी करने का। नौवा, कोई भी चीज़ में उनको प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है और कुछ भी एंजॉयमेंट नहीं करते, प्लेजर नहीं रहता उनको, कोई भी काम करने में प्लेजर नहीं है, खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो ऐसे 9 लक्षण है मेनली, और 15 दिन तक चलते तो वो डिप्रेशन है। अब ये कारण क्या है, एक तो फैमिली लोडिंग, यदि घर में आपके फैमिली में किसको डिप्रेशन होगा तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्टडीज ऐसा बोलती है कि केमिकल लोचा होता है डिप्रेशन में, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन लेवल्स कम होती है और उसके वजह से डिप्रेशन आता है। कुछ लोग ऐसा, कुछ स्टडीज ऐसी बोलती है कि भाई ये लोगों में एक विचारों का ही प्रॉब्लम है, इसलिए उनका मूड डाउन हो जाता है, हर बात को वो निगेटिव लेते हैं, उनकी वो आदत हो जाती है और फिर उनसे उनको डिप्रेशन आता है। तो ऐसे कुछ कारण है डिप्रेशन के कि डिप्रेशन आता क्यों है। अब करना क्या है इसका, एक तो क्या है कि एक तो एंटी डिप्रेशन दे दो, एंटी डिप्रेशन आप देते हैं तो SSRI है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन है, नवे एंटी डिप्रेशन बहुत है, तो 2 हफ्ते में से लेके 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में पेशेंट ठीक हो जाता है। उसके साथ साथ यदि हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं, REBT, CBT, हिप्नोथेरेपी देते हैं, हिप्नोसिस, सजेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, तो उसमें बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है।
जो साइकोलॉजिकल कॉज है कि उनको लगता है कि हर चीज में अंधकार है, हर चीज में उनके जीवन में कुछ पड़ा नहीं है, ऐसा जब उनको लगता है तो फिर उसका इलाज कि भाई जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, वो रैशनल नहीं है, जो विचार आ रहा है वो रैशनल नहीं है, वास्तविकता से गलत है, रैशनल कौन सा विचार होना चाहिए, ऐसा काउंसलिंग उनको रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में दिया जाता है। साइकोथेरेपी में नेगेटिव थॉट्स को कैसे रिप्लेस करना, पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे देना, वो भी हम सिखाते रहते हैं। इन शॉर्ट क्या है कि डिप्रेशन पूरा अच्छा हो सकता है, डिप्रेशन में केयर इतनी लेना है कि डिप्रेशन बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें सुसाइड के चांसेस हो सकते हैं, जल्दी लाएं तो जल्दी ठीक हो रहा है। कुछ लोग ऐसे कि उनको रिपीटेड अटैक्स आते हैं तो उनको भी मालूम है कि भाई अभी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, वो फटाक से आ जाते हैं हमारे तरफ, दवा लिख लेते हैं, 2 हफ्ते में अच्छे हो जाते हैं। तो उसमें कोई गलत नहीं है, डिप्रेस हुआ तो कोई वो पागल नहीं है, तुरंत डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। हमारे पास में ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा है, आप हमारे से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो, हमारे ऑनलाइन सेमिनार्स वेबिनार्स होते हैं उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, हम ऑनलाइन हिप्नोटिज्म करते हैं और अलग अलग कोर्सेज करते हैं, तो वो भी कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को डिप्रेशन से मुक्त रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।